भगवान शंकर ने पिपलाद से कहा, तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। कितने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुओं पर क्रोध करते हो। महर्षि दादाजी के पुत्र का नाम था पिपलाद। चूँकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पिपलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह पिपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पिपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थिदान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पिपलाद से वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहां एक काली कलूटी लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पिपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पिपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पिपलाद की तरफ झपट पड़ी। पिपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो। इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे ही करूं। पिपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पिपलाद के भय को समझकर उन्होंने पिपलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कंकण में भगवान का वास है। यह सुनते ही पिपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। जय भोलेनाथ।